हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैद अहमद है और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट मरियम मुर्तजा। और आज जी हमारे साथ हैं फरहान अफसार, अमेजिंग, और सेल के बारे में थोड़ा और बताएंगे। बिल्कुल सही है। फरहान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी इनका ताल्लुक रहा है, ये इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी करते रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है इन्होंने। कम्युनिटी का जो खास तौर पे जो सिलसिला है और उनकी हेल्प है न्यू इमिग्रेंट्स की, वो इनके एक जो कैप है उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट फेदर है। जी, अस्सलाम वालेकुम फरहान अफसार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम साहब एंड बरगाम, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, हियर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मौसम बड़ा पाकिस्तानी हिसाब से बड़ा बड़ा रोमांटिक और खूबसूरत मौसम है। बादल भी हैं और बारिश भी है, वरना बड़ा हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा मौसम था। पिछले एक हफ्ते से धूप थी और बड़ा अच्छी विंडी था। तो बहरहाल, तो फरहान थोड़ा सा आपका तारुफ करवाते हैं हमारे ऑडियंस से जो सब हमें देख रहे हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपने बोला मौसम वाकई बहुत अच्छा है। आज 2 दिन से हम लोग मेरे ख्याल से एक हीट वेव से गुजर रहे थे, और आज वाकई बारिश को देख के थोड़ा सा सबके मूड और चीजें अच्छी हो गए होंगे। मेरा ताल्लुक और जो थोड़ा सा तारुफ अगर मैं कराना चाहूँ, तो बेसिकली मैं जो हमारा बैकग्राउंड है, मैं कराची से मेरा ताल्लुक है। हम लोग 2001 में कनाडा मूव हुए थे, टोरंटो से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पे हम शुरू से रहते आ रहे हैं, यहीं से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, करियर शुरू किया है, और सारी इन्वॉल्वमेंट यहीं से शुरू हुई है। एट दिस पॉइंट मैं इस वक्त कंपनी फर्म में काम कर रहा हूँ, डेविस ग्रुप के नाम से, as a senior director of franchising and business development. Basically it's a group of companies jinke paas multiple brands hai, main unka franchising and development department ko lead karta hu. We do have over plus 300 locations across the country, plus hamare paas US sector mein bhi kafi locations hain. To uski jo bhi growth hai aur जितनी सपोर्टिव है उनको, उस पूरी टीम को मैं लेकर चल रहा हूँ इस वक्त। बिल्कुल, और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि फरहान ने बहुत ही छोटी एज में बहुत कुछ अचीव किया है, और आज हम इन्हीं बारे में इनसे बात करना चाह रहे थे कि कैसे आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके आपने अपना स्टार्ट कहाँ से लिया, और आज आप जहाँ पर हैं वो आप कैसे पहुँचे हैं, प्लीज इस बारे में बताइए। बहुत डेफिनेटली लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू शॉर्ट इट अप जितना पॉसिबल हो। एक्चुअली हमारे वालिद ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, ही वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वो फैमिली स्पॉन्सरशिप पे हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पर मूव हुए थे 2001 में। उस वक्त मैं पाकिस्तान में एंटर किया था मैंने, और मुझे याद है यहाँ पर आके वो हमें एक ओएसी निकला था, ग्रेड 13, बिफोर यू गो टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यू हैड टू डू दैट। सो हमने वो चीज़ की थी। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर्स किया, एंड सिंस दैट डे पहले मैंने बैंकिंग फील्ड की तरफ गया। वहाँ पे मुझे 9 to 5 वाला मैं बंदा था नहीं, सो वो मुझे समझ में कुछ आया नहीं। एंड उससे पहले मैं पार्ट टाइम जॉब्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहा था, सो मैं वापस, मेरा हमेशा ध्यान बिजनेस की तरफ ही था। तो मैंने बड़े करेक्टली बॉटम से शुरू किया, और आहिस्ता 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 उसके ऊपर आगे बढ़ते चले गए। जिस कंपनी से मैंने एज अ कहना चाहिए कि मैंने कैशियर पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी, उसी कंपनी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनके निकला था। I worked for the company for over 8 years, and I was leading a team of over 300 people across US and Canada. So definitely वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले कहना चाहिए, और मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। हमारे वो कहते हैं ना, घर में हर बंदे को था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जैसे हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है, और हमारी फैमिली में भी यही चीज था सबको, हाँ भाई तुमने ये चीज करनी है। लेकिन कहना चाहिए ना, मेरा हमेशा बिलीव रहा कि ट्रेंड के पीछे मत भागो, अपने पैशन के पीछे भागो, और मेरा पैशन हमेशा से बिजनेस के ऊपर ही था। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस चीज को आगे लेके बढ़ू। वो कहते हैं ना, दुनिया में आप आए हो, लेकिन जाते हुए लोगों को याद कैसे रख पाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज सही, बेसिकली फॉलो करते रहे। बिल्कुल सही है फरहान। हाँ, इस सो सॉरी, जी जी जी, नो नो हेड, नो प्रॉब्लम, गो हेड। नो, तो इस चीज को लेते हुए हम काफी काम करते रहे। इसके ऊपर मैंने काफी मेहनत की है, मेरा पूरा करियर इस चीज के ऊपर गुजरा, और फिर सेम टाइम पे जहाँ हमको मौका लगा वहीं पे मैंने साथ साथ, जब कहते हैं कि आपके पास एक चीज हो रही हो तो आपको सबको साथ लेके चलना भी बहुत जरूरी होता है, तो वरना आप अकेले तो किसी भी दौड़ में आगे भाग नहीं सकते। तो फिर हमने कोशिश की कि हम अपनी कम्युनिटी में कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हासिल करें, उस चीज को साथ लेके चले। पहले मैंने बहुत
सारी छोटी छोटी जो हमारे कम्युनिटीज में इवेंट्स होते थे बैक इन द डेज, अभी तो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया कम्युनिटी को, लेकिन बैक इन द डेज 2003-4-5-6 में इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि चीज़ें मार्केट में नहीं थी जैसे कि आज मौजूद है, इतनी सपोर्ट मार्केट में नहीं थी जैसे कि आज मौजूद है, ना प्लेटफॉर्म से ना चीज़ें थी, तो वहाँ पे जो भी कुछ कर रहा होता था हम साथ शामिल हो जाते थे उसके, ठीक है जी हम भी आपके साथ करें क्या करना है मिलके, और सबको हम कोशिश करते हैं कि जिसके भी काम आ सके लेके चले उनको साथ। जबरदस्त, सही। तो कम्युनिटी के लिए आपने काफी काम किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह का आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था कम्युनिटी के लिए, और किस किस्म की आप उनको सपोर्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे थे या कर रहे हैं? बिल्कुल साल भाई, देखें इसमें हुआ क्या कि जब शुरू में जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिले हमने उनको यूटिलाइज किया, हमने उनको सपोर्ट की। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता किसी एक पर दूसरा अपसेट हो जाए, लेकिन मैंने बहुत सारे जो हमारे आज भी मीडिया में अच्छे नाम लेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी तरह उनको सपोर्ट किया जहाँ जहाँ हमको मौका लगा। लेकिन कुछ साल पहले हमने ईस्ट साइड पर एक्चुअली हम लोग एक दफ़ा ऐसे ही एक मस्जिद में वॉलंटियर कर रहे थे, तो बैठे बैठे हमारा प्लान बना, तो हमने हमारे जो कुछ करीबी दोस्त हैं उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसी अपनी ही कोई टीम बनाते हैं जिसपे ना सिर्फ हम अपनी सबकी फैमिलीज जहाँ कोई सपोर्ट रिक्वायर्ड हो वो कर सकें, जिसको कोई लिफ्ट रिक्वायर्ड हो वो लिफ्ट दे सकें, और सेम टाइम पर कोई भी कम्युनिटी कॉल्स हम उसके लिए आगे से आगे हों। ठीक है छोटे से शुरू होता है, लेकिन मेरा हमेशा उस स्टोरी पर बिलीव रहा है कि दो एक बंदा था कहते हैं 1951 में, बहुत पहले हमारे पैदा होने से ही बहुत पहले, अपने कंधे के ऊपर कहते हैं वो दो थान कपड़े का लड़का है कहीं जा रहा था मार्केट में, और उसको दो बंदे मिलते हैं, एक बंदा उसमें उनकी लाइफ जाती है खंजा निकाल के दूसरे को मार देता है। तो बेहिसी आज जो है उस वक्त भी थी, बस फर्क यह था कि लोग आपके फोन नहीं थे वीडियो नहीं बनी, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं कि किसने मारा और क्यों मारा। तो उस बंदे ने डिसाइड किया वहां पर कि यार मैंने जब दुनिया से जाना है ना तो ऐसे जाना है कि मुझे दुनिया याद रखे। और फिर जब उसका जब वो बंदा मरा तो कहते हैं कि 19 तोपों की सलामी लेके मरा, और वो बंदा आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं एधी। तो उस बंदे ने कैसे अपना बनाया और किस तरह शुरू किया और किस तरह वो इस दुनिया से रुखसत हुआ हम सब इस बात को जानते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी चीज को लेते हुए हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हम अपनी कंपनी बनाते हैं, तो हमने एक कंपनी रजिस्टर की और हमने उसका नाम अपने दोस्तों के ऊपर रखते हुए यारी इन्वेस्टमेंट का उसका हमने नाम रखा। मकसद उसका खाली इन्वेस्टमेंट करना नहीं था, मकसद था कि अगर हमारी किसी फैमिली में किसी बच्चे की पढ़ाई का मसला आ रहा है, किसी की शादी का मसला आ रहा है, किसी के साथ कोई और मसाइल है, सेम टाइम पर कोई कम्युनिटी कॉज है, तो हम उनमें आगे से आगे हों और वो एक फैमिली बन जाए, जो यारी वाले हैं वो दोस्त नहीं रहे वो फैमिली बन जाए, सब जुड़ जाए। तो वो शुरू तो हमने 50-60 लोगों से किया, तो वो करते करते कहते ना कारवा बनता है कि आज माशाल्लाह 150+ खाली रजिस्टर्ड मेंबर है हमारे पास विद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ, और अगर उनकी फैमिली से हम काउंट करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 400-500-600 पीपल। तो हमने फिर जो भी किस्म के इशूज आए, चाहे वो आज के दौर का कोरोना हो या पिछले दौर में किसी किस्म का कोई अर्थक्वेक हो, कोई सुनामी हो, कोई लोकल किसी किस्म के इशूज हो, कोई रेफ्यूजीज इशू हो, सीरियन इशूज हो, वहाँ पे हमने जितनी अपनी बिसात से हो सकता है आगे से आगे बढ़कर आगे आए, सबको इन्वॉल्व किया, सबको लेकर चले, सबके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, उनको एक माहौल प्रोवाइड किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह लोग एक अच्छी तरीके से जानते हैं और हम उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, और काफ़ी हमारा इसमें बिलीव है कि जब तक हमारे बच्चे हमारी एजों पर पहुँचेंगे ना तो हम इस चीज़ को इंशाल्लाह आज से 20-25-30 गुना बढ़ा चुके होंगे। यारी यारी फैमिली मेरा ख्याल इंशाल्लाह एक नहीं दो नहीं 4-5 मुल्कों में जानी जा रही है। बिल्कुल फिलहाल हमारी आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि और आगे जाए यारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप। और आज का कोरोना वायरस केस में लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हैं, यारी इन्वेस्टमेंट कैसे हेल्प कर रही है? हां वो कैसे हेल्प कर रही है? देखिए इसमें दो तरीके हैं, अगर पर्सनल लेवल पर बात करते हैं यारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो कहना चाहिए जो कॉज लिया था वो हमने देखा कि यहाँ पे लोकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करंट गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि उसने किसी को छोड़ा नहीं है, और मेरा ख्याल है जिस तरह से ये गवर्नमेंट सामने आई है रोल एग्जाम्पल है इस वक्त दुनिया के लिए। मगर पाकिस्तान में हमारे साथ कुछ फैमिलीज के हिस्से थे, कुछ जाने वाले थे, कुछ फ्रेंड सर्कल से लोग आए जहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लीड में आ गए थे, मेडिकल इश्यूज के ऊपर लेते हुए, ग्रोसरी इश्यूज को लेते हुए, एजुकेशनल इश्यूज को लेते हुए। तो हमने वहाँ पे अपनी जितनी भी इस साल कहना चाहिए जिन फैमिली से ज़कात निकली, जो इन फैमिलीज के कनेक्शन से फंड बेस हुई, हमने कलेक्शन ग्रुप बनाया वहाँ पे, मैंने अपने बड़े भाई को पाकिस्तान मूव किया, भेजा टेम्पररीली, और वो अभी भी वहीं पर है इस पूरे सिचुएशन में, और उन्होंने पर्सन टू पर्सन फैमिलीज टू फैमिलीज एक तरीके से वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने वो और वहाँ रुकेंगे, और
कंप्लीट उनका जो हमने पूरा काम रखा वो यही था कि तुमने उन फैमिलीज को निकालना है, हमको बजट बनाना है, हमने यहाँ पे उनका इंतजाम करना और तुमको भेजना, तुमने उनको मसाइल हमारी जात से हल हो सकते हैं वो तुमने करनी है। तो हाँ मोस्टली आप जी वहाँ जो मोस्टली आप क्या खाना वाना कर रहे हैं या और भी कुछ और हेल्प भी कर रहे हैं वहाँ पर? आपकी ग्रोसरी नीड्स हो गई, आपकी कोई किसी किस्म की एजुकेशनल इश्यूज में था, किसी की कोई फीस, किसी का रेंट नहीं जा पा रहे, किसी की यूटिलिटीज बिल नहीं जा पा रहे, किसी का इलाज चल रहा था जो कि अरसों से चल रहा है, दवाइयों की जरूरत थी, तो जो भी जरूरत हो सहल भाई बेसिकली वो कोई हमने एक चीज रखी कि हमने तुम्हें खाली राशन ही देना है, जिसकी जो नीड है बेसिकली और वो नीड को पूरा नहीं कर सकता है जब हमारी साथ से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक बात और ये बताइए, वहाँ पाकिस्तान में कोई जो जरूरतमंद हो वो किस तरह आपसे रابطہ कर सकते हैं आपकी तंजीम से? हमने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर इसका हमने इसको एडवर्टाइज भी किया था, बेसिकली वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी पर्सनल फैमिलीज के बंदे मौजूद हैं, तीनों सिटी से या क्लोजेस्ट सिटी से जो भी टेक कर सके जरूर करेंगे। तो उसका कोई नंबर बताएंगे आप या कोई ऐसा ईमेल एड्रेस है कुछ है जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं इस पर पाकिस्तान के लिए? तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि सबके नंबर अलग अलग हैं, इस पर कुछ याद तो नहीं है, मैं उनको डेफिनेटली भेज सकता हूँ। मेरा नंबर आप उनको व्हाट्सएप बेसिकली वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ तो अपना बता दीजिए, 6479190645। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन हो चाहिए हो यार इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, किसी को भी हेल्प हो जो हमारी जात से हो सकती हो, हम मुझे जरूर व्हाट्सएप करें, मैं वहाँ पे जरूर लोगों को आगे भिजवाऊंगा और जो हमारी जात से हो सके हम जरूर करेंगे। और आपकी वेबसाइट क्या नाम की? यारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं, यारी इन्वेस्टमेंट के नाम से ही हमारे दोनों पेज है, उन दोनों के ऊपर जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो टीम इसको मैनेज कर रही है वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इन चीजों के अंदर, तो डेफिनेटली कोई भी चीज रिक्वायर्ड होगी हम उसको फॉरन टेक केयर कर लेंगे। थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, सॉरी तो बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं डेफिनेटली जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर भी कोई बंदा यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज जरूर प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज किसी भी किस्म के चार्ज पे नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, हम उनको मैं पर्सनली मेंटर कर रहा हूँ सब बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे बिजनेसमैन जो कहना चाहिए बहुत सारे ब्रांड्स को। तो अगर किसी किस्म की कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई स्ट्रगल में है और किसी किस्म का वो हमसे मशवरा चाहता है तो हमारी उसकी अपनी कंपनी है आप सारे एंटरप्राइज के नाम से पर्सनली मुझे कर सकते हैं। बिल्कुल ये हम किसी किस्म के प्रोफेशनल लेवल के ऊपर नहीं अभी कर रहे हैं, इन अ सेंस के मैं अपनी कम्युनिटी में अगर हमारी साथ से कोई भी किस्म को हेल्प हो सकती है, बहुत सारे यहाँ पे वाकई क्या होते हैं हमारे यहाँ पे लोग आते हैं सेकंड करियर लोग शुरू कर रहे होते हैं और बेसिकली गलत बिजनेस से पड़ जाते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट से पड़ जाते हैं, सारी जिंदगी हार्ड अर्न मनी वो बैंकरप्सी के थ्रू लूज कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ कोई हमको अप्रोच कर लेता है हम उनको बताते हैं कि भाई जो तुम बिजनेस करने जा रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट कमिटमेंट लेवल चाहिए क्या, वो तुम्हारा पैशन है भी या नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही या नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारी एक्सपर्टीज है तो हम इसके ऊपर को गाइड करते हैं। तो अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस शुरू कर रहा है आप सिर्फ दो मिनट की मुझसे बात करें, मैं कोई ये प्रोफेशनल लेवल पर नहीं कर रहा, इससे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए है, किसी को हेल्प चाहिए पूछें आके चार बात करेंगे तो हम अपने मशवरा उनको बताएंगे कि जो तुम करने चाह रहे हो पहले सही है भी या नहीं है। बड़े मैं इस पर एक बात करता हूँ, जिस कंपनी के लिए सब मैं काम कर रहा हूँ आईरिस मार्केट, जब मैंने इनकी लीड करना शुरू किया था तो सबसे पहली चीज मैंने यही देखी थी कि हम अपनी कम्युनिटी को इस कंपनी के थ्रू कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले हमने वही प्रोग्राम यहाँ पे कंपनी को लॉन्च किए कि कैसे हम अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज को इन्वेस्टमेंट्स या ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम्स के अंदर कनाडा लेकर आ सकते हैं, जो बंदे वहाँ टैलेंटेड हैं, बिजनेस माइंड है, कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके पास वसाइल है लेकिन वो सेकंड थर्ड करियर में पड़े हुए, उनको अपना बिजनेस शुरू करा के दे सकते हैं, किसी के पास शॉर्ट पॉइंट की फंडिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू, CSPF प्रोग्राम के थ्रू या फिर हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग प्रोग्राम के थ्रू। सो जब से मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई हैव हेल्प ओवर 25 प्लस फैमिलीज जिन्होंने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, जो आज अपने बिजनेस प्रोफेशनली ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री और माशाल्लाह बड़े कामयाब हैं।
तो किसी को भी इसका कोई हो तो वो बात कर सकते हैं. सबसे बड़ी चीज ये है बिजनेस जॉब कंसल्टिंग सब कुछ कम्युनिटी वर्क अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हम अपने लोगों को कितना आगे लेके आ सकते हैं क्योंकि आज के लोग आगे हमारा फ्यूचर है. बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं फरहान आप, इसमें कोई शक नहीं है. लोगों को असल में आप क्या कहेंगे कि व्हाट दे शुड डू फर्स्ट थिंग जब कोई भी न्यू इमिग्रेंट यहाँ पर आता है कनाडा में स्पेशली, तो हर बंदा फॉरेन बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, पहले उनको कुछ अपना फुटहोल्ड चाहिए होता है. तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से इवैल्यूएट करें यहाँ की सिचुएशन को जो उनके हिसाब से बेहतर हो. बेशक तो ये बहुत जरूरी चीज है कि कैसे एवेल्यूएट इनको किया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि अगेन उनका एक्सपीरियंस क्या है, जिस बिजनेस में जा रहे हैं उसकी नॉलेज उनके पास कितनी है. कुछ लोग यहाँ पर आए होते हैं और वो उन्होंने कभी जॉब तक नहीं की होती, मार्केट के लॉस क्या है, लेबर मार्केट के लॉस क्या है, टैक्सेशन किस तरह से होती है, मतलब सबसे पहले बेसिक को समझना जरूरी है बिफोर कहते हैं ना किसी चीज में जंप किया जाए. और हमारे लोग बहुत सारे कह रहे थे बिजनेस बाय तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये तक पता नहीं होता कि कॉर्पोरेशन रजिस्टर कैसे होती है, एसएससी होता क्या है, रेमिटेंस होती क्या है, अगर कोई बिजनेस प्लान फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनती कैसे है, पीएनएल बनती कैसे है, बेसिक से बहुत दूर होते हैं. और बस वो होता है फैमिली बिजनेस पर चल रहा है तो चल रहा है, और फिर उसमें 90% लोग चलते हैं बिजनेस खराब कर देते हैं, चीजें खराब कर देते हैं. तो ये चीजें बेसिक को समझना कोचिंग करना बहुत जरूरी है. इस वक्त मैं तकरीबन कहना चाहिए काफी लोगों को मेंटर कर रहा हूँ, उसके ऊपर कंसल्टिंग कर रहा हूँ और उनको उसी तरफ सिखा रहा हूँ कि तुम्हारी जो चीज तुम करने जा रहे हो, मैंने काफी को रोका भी है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है. मैं आपको बताऊँ रिसेंटली जो वर्ल्ड के हालात हुए, हमारे पास काफी डॉक्टर्स पीएचडी पायलट आए जिन्होंने आके कन्वीनियंस स्टोर के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो हमने उनको रोका है कि नहीं ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनती है, बिकॉज आज तुम ये कह रहे हो लेकिन कल मार्केट बेहतर होगी, तुमने वापस फील्ड में जाना है. प्लस आपकी फील्ड डिफरेंट, आपका पैशन डिफरेंट है, ये पैशन डिफरेंट लोगों के लिए. तो ये एक चीज है, मतलब बिजनेस के ऊपर काम नहीं करती. बहुत से लोग आते हैं चाहे कोई बड़ा कोई बड़ी ब्रांड ले रहा हो, कोई बड़ा किसी किस्म का कोई आईटी का फर्म शुरू कर रहा हो, कोई फैक्ट्री शुरू कर रहा हो, बेहतर ये होता है कि तो बात करें किसी भी कम्युनिटी में बंदे से जिसको वो जानते हो, ट्रस्ट करते हो, एक एडवाइस ले. और देखें एडवाइस दो तरह की होती है, एक आपको कोई एडवाइस देगा आपकी अच्छाई के लिए, एक एडवाइस देगा आपको आपके पैसे के लिए. हम यहाँ किसी पैसे की गर्ज से काम नहीं कर रहे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने लोगों को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, और ये एक वन ऑफ द वे है. बिल्कुल. और फरहान आप लोन प्रोवाइड करते हैं? देखिए हमारा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बाहर बिजनेस किसी किस्म का लोन असिस्ट कर रहा हूँ. कोई हमारी अपनी ब्रांड्स के ऊपर आता है तो डेफिनेटली हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एक्सलेंट टर्म्स विद मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपके मेजर आरबीसी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बीडीसी हो, स्कोशिया हो, बीएमओ हो, सो वी हैव वेरी गुड टर्म्स विद देम. और वो हमारी कंपनी को जानते हैं, सालों से हमारे साथ बिजनेस में है, दे हैव बीन ए क्लास लेंडर, तो बिल्कुल असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. दे वुड नॉट गेट अ रन अराउंड इन द मार्केट. अगर चीज होने वाली होती है तो हम पहले गाइड कर देते हैं. और कोई अगर किसी किस्म का शॉर्ट फॉल में होता है तो छोटी मोटी फाइनेंसिंग हम अपनी कंपनी से भी करा देते हैं. और अभी हमने शुरू किया था कि अपनी कम्युनिटी में स्पेशली 0% इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंसिंग कराई जाए. जो लोग इंटरेस्ट से भागते हैं, जैसे हम नहीं चाहते कि इंटरेस्ट पड़े, तो उसके लिए हमने ऑप्शन निकाले. सही. और अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे एफस्टार एंटरप्राइज से, कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी लोकेशन या आप उसका कोई कॉन्टेक्ट हम करेंगे? देखिए जो हमारा ऑफिस है एक ईस्ट साइड पर है, एक वेस्ट साइड पर है. मैं वेस्ट साइड में सागर में हूँ स्ट्रीट, उसके ऊपर ईस्ट साइड में बिग्बी में हमारा ऑफिस है. वो मुझे कॉल कर सकते हैं, हम अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं. नंबर आपको मैंने बताया था 6479190645, और हम डेफिनेटली उनके साथ टाइम सेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं. चाहे वो किसी किस्म के कम्युनिटी बेस के ऊपर प्रोग्राम हो, किसी को हमारी हेल्प चाहिए हो, चाहे वो किसी किस्म के स्पॉन्सरशिप की बात हो कि वहाँ पे अगर किसी किस्म की हम हेल्प कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हो, या कोई हमारे ब्रांड के साथ एफिलिएट होना चाहता हो, हर सूरत में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. डेफिनेटली मुझसे कॉन्टेक्ट करें और मैं जरूर इस चीज पर जो गाइडेंस प्रोवाइड कर सका जरूर करूंगा इंशाल्लाह. थैंक यू. तो व्यूअर्स आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एफस्टार एंटरप्राइजेस को, जिसका नंबर भी मेंशन कर देंगे और लोकेशन भी. और ये हर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी की प्रॉब्लम हो भी सरकार ने हमें ब्रीफली बताया इस बारे में. बिल्कुल सही है. फरहान आपकी अगर जो ये जारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, अगर इसको कोई ज्वाइन करना चाहे और कंट्रीब्यूट करना चाहे, इसका पार्ट बनना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर भाई इस पे आपको कॉल करने के अलावा आपकी वेबसाइट है कोई इसकी?
और हमारी टीम काम कर रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन वो सारे पेज हमारे लाइव है, वहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपने जो भी कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं वो शेयर करते रहते हैं, वो अप टू डेट होते हैं. सबसे बड़ी चीज सर ये है कि हमने कोशिश की थी कि तो हम किसी किस्म की बेसिकली मार्केट ना बनाएं, इन अ सेंस के ऐसे ही हम एक उन लोगों को सिलेक्टिव लोगों को हम डालना चाहते हैं जो वाकई कम्युनिटी कॉज में आगे आना चाहते हैं, जो वाकई थोड़ा टाइम दे सकते हैं इसके ऊपर, जो वाकई चाहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली इस फैमिली का हिस्सा बने, वो कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें. मतलब हम लोग बहुत लिमिटेड होते हुए इस इसको इसमें लोगों को ऐड कर रहे हैं, और एवरी ईयर हम लोग जब से हमने शुरू किया 10 से 12 फैमिलीज न्यू ऐड कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि वही फैमिलीज हों जो कि सबके साथ मिलजुल कर चल सकें, क्योंकि हर हम ये नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई भी ड्रामा क्रिएट, टू बी ऑनेस्ट. सारा मकसद वही है कि जो लोग आगे बढ़ के इसको ज्वाइन करें, इसके साथ फैमिली बनकर चल सकते हैं, डेफिनेटली रابطہ कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं. हम अपने लोगों में इसी कंपनी के थ्रू प्राइवेट किस्म के लोन भी प्रोवाइड करते हैं, किसी के बच्चों के सारे कॉलेज जाने, यूनिवर्सिटी जाने, और किसी किस्म के लोन पर नहीं आ पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें आगे बढ़कर, चाहे वो टेम्पररीली हो चाहे वो परमानेंट हो. किसी की शादी का मसला है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर में कोई शॉर्टफॉल है, लेकिन हम चाहते हैं फैमिली की तरह पूरा ग्रुप बैठा हो, कि किसी को कोई भी मसला बनता है हम आगे बढ़ के बोले ठीक है जी हम हैं तुम्हारे. और प्लीज बताइएगा, आपने बहुत से इवेंट्स करवाए, कुछ इवेंट थे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I'm so sorry, Mariam, आपकी आवाज़ दोबारा कट गई है. जी मैं पूछ रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा इवेंट्स अभी करवाए हैं, जब आपसे रहे हैं तो कुछ क्लोज इवेंट्स भी आपने करवाए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? तो हम लोग हर साल पिछले 7 साल से तकरीबन 4 इवेंट्स करते आ रहे हैं. 11 इन्वेस्टमेंट हमने रजिस्टर की थी 3 साल पहले, उससे पहले से वो कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, बस उनके पास एक नाम एक प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, तो वो अम्ब्रेला के नीचे तो ऑलरेडी मौजूद थी सारी की सारी. तो हम लोग 7 साल से करते आ रहे हैं, हर साल 2 हमारे क्रूज के इवेंट्स होते हैं, मोस्टली ईद के ऊपर होते थे, इस साल कोरोना के चक्कर में हमने पोस्टपोन किया है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे लास्ट ईयर तक होते रहे, और तकरीबन 375 लोगों का हम लोग क्रूज अरेंज करते हैं अपनी यारी फैमिलीज के लिए. सेकेंड हम लोग 2 से 3 इवेंट करते हैं बैंकेट हॉल्स में, डिफरेंट ईस्ट और वेस्ट एरियाज में, जहाँ पे हम सारी फैमिलीज को इकट्ठा करते हैं. उस वक्त अगर किसी किस्म का कोई कॉज चल रहा होता है वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान कनाडा, उसको रेस करते हैं, वहाँ पे किसी फैमिली के कोई इशूज होते हैं तो इनडायरेक्टली उनको रेस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम उन सबको साथ लेके चलें, कोच करें, और साथ हमारे बच्चों को मिलने जुलने का मौका मिले, आपस में उनको एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है. बिल्कुल, तो वो सबको सब एक प्लेटफॉर्म एक माहौल बनाया जाता है कि अगर ईद आई है तो ईद का पूरा फेस्टिवल हो रहा है, फैमिली सारी जुड़ रहे हैं. तो ये सवाल ये है यहाँ पर कि जी फरहान, तो ये जो आप इवेंट्स करते हैं ये सिर्फ आपके मेंबर्स के लिए होता है या ये जनरल पब्लिक के लिए आप ओपन करते हैं? मोस्टली सिर्फ मेंबर्स के लिए या मेंबर्स की कनेक्टेड फैमिलीज के लिए होता है. लेकिन अगर जैसे कुछ दफा ऐसा हुआ है कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने उनको डेफिनेटली वेलकम किया है. कोई अगर आता है हमारे किसी भी को ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली कर सकता है. हम लोग बहुत लो स्केल पे करते हैं, मतलब हमारा मसला उसको मार्केट करना नहीं होता, हमारा मसला सबको मिलाना होता है, सबको एक प्लेटफॉर्म देना होता है कि आए बैठे मिले आपस कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ. बिल्कुल ऐसी है जी. सॉरी सर गो अहेड. नहीं नहीं चुके आप जी. अच्छा कोरोना वायरस की वजह से भी जो फ्लॉप आया इवेंट्स में, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये दोबारा से स्टार्ट होंगे, दोबारा से हम देखेंगे कि यारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है वो इवेंट्स करवा रहे हैं, कब तक आप इसको देख रहे हैं फ्यूचर? देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है सेफ्टी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, सो हम हमेशा कहते हैं. तो डेफिनेटली हम लोग पहले सबसे पहले सेफ्टी को देखते हुए अपनी फैमिलीज की उसी हिसाब से इसको लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. हमारा प्लान था इस साल का, हमारे 2 इवेंट्स बुक हुए हुए थे, एक अभी बकरीद के ऊपर जो हमारी आने वाली है और एक हमारी मीटिंग जो गुजरी है, दोनों के वो हमने अभी उन इवेंट्स को पोस्टपोन किया है, और अभी तक हम लोग को टाइम प्रोवाइड इससे नहीं किया कि हम खुद अपडेट कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि फेज 4 कब शुरू होता है और कब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है उस वक्त. डेफिनेटली सारे मेंबर्स वेट कर रहे हैं, और होपफुली हम लोग इस साल एक इवेंट जरूर करेंगे इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एंड फिर जो हमारे क्रूज वगैरह के इवेंट वो नेक्स्ट ईयर से रिज्यूम होंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बिल्कुल सही है. तो अभी आप जाते जाते क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे हमारी आवाम को, यहाँ पर भी कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी और बाकी जो लोग हमें जहाँ से भी देख रहे हैं?
कोरोना के बाद हमेशा सबको एक ही चीज हमेशा कहता हूँ और मैं सबसे कहूंगा, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारे जो नई न्यू जनरेशन हमारी आगे आ रही है, कि सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करें, ट्रेंड को फॉलो ना करें. ट्रेंड हमेशा आता और जाता रहेगा, पैशन आपके साथ रहेगा और पैशन आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा. हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है, लेकिन जो चीज आपके लिए उसको पहचाने, उसको अपने अंदर से बाहर निकाले और वो काम करें जिसमें सबका भला हो. ऐसा काम जिसमें आपको आपको फायदा, लेकिन दूसरों को फायदा ना हो, वो काम मत करें. उससे किसी को कोई वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता किसी भी सूरत के ऊपर. सो मेरा हमेशा से मशवरा और कोचिंग सबको यही रहती है. बाकी स्टे सेफ, सबसे बड़ी चीज है कि हम हैं, जिंदगी है, सेहत तो सब कुछ है. आप ये देखें कि आपकी किसी भी गलती की वजह से आपकी फैमिली सफर ना करें, तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें ज्यादा से ज्यादा. इस वक्त किसी चीज को लाइट लेने की जरूरत नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए. और इंशाल्लाह हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में, हमें रीच आउट करें. हम इंशाल्लाह अपनी जात से, अपनी कंपनी से, अपनी फैमिली से जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके जरूर करेंगे. बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया, विन विन फॉर एवरीवन जो बात उन्होंने कही है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी बात है. और फरहान एक बार अपना नंबर और बता दीजिए, उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेंगे. डेफिनेटली मेरा नंबर है 6479190645. मुझे व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. और अगर अगर वो मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली जो भी मेरे अपॉइंटमेंट्स होंगे मैं उसके बाद उनको जरूर कॉल करूंगा. थोड़ा सा बी पेशेंट रहें, बट आई विल रीच आउट. चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी. बढ़िया, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो फरहान. और अब जा दीजिए मुझे और मरियम को और हमारे गेस्ट फरहान को. फरहान वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो. और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. इजाजत से चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़.